बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस। रिलेटिव अबंडेंस क्या होता है? दिस इज़ द परसेंटेज अक्रेंस ऑफ आइसोटोप्स नेचुरली इन एन एलिमेंट, किसी भी आइसोटोप में, किसी भी आइसोटोप की जो नेचुरली तौर पे उसकी अक्रेंस होगी, पाए जाने के चांसेस होंगे उस के एलिमेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं उसकी रिलेटिव अबंडेंस। इसको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बताऊं आपको, तो सादा लफ्ज़ों में ये हो सकता है कि आइसोटोप्स की एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कि एक ही बाप के तीन बेटे या बेटियां हैं, तो अब विरासत में उन बेटे और बेटियों का जितना जितना उनका विरासती हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, उनकी रिलेटिव अबंडेंस कहलाएगा। हमारे पास आइसोटोप्स भी ऐसे ही होंगे, एक आइसोटोप 80% एग्जिस्ट कर रहा होगा एलिमेंट के अंदर, एक 10% एग्जिस्ट कर रहा होगा, एक 4% एग्जिस्ट कर रहा होगा और एक 6% एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो इस हवाले से यही आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट है, बोरोन विथ एटॉमिक नंबर 5 हैज़ 2 नेचुरल अक्रिंग आइसोटोप्स। के बोरन जिसका एटॉमिक नंबर 5 होता है उसके नेचुरल अक्रिंग आइसोटोप्स हैं 2। तो कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज अबंडेंस ऑफ बोरन 10 और बोरन 11। 10 वाला आइसोटोप और 11 वाला आइसोटोप की कहता है कि परसेंटेज अबंडेंस जो है वो फाइंड करनी है हमें फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है, एवरेज एटॉमिक मास दिया गया है हमें, किसका, बोरोन का 10.81 एटॉमिक मास यूनिट AMU। आइसोटोपिक मास दिया गया है 10 वाले आइसोटोप का और आइसोटोपिक मास दिया गया है 11 वाले आइसोटोप का, 10.0129 AMU और 11.0093 AMU। तो ये हमारे पास डाटा है, एवरेज एटॉमिक मास है, आइसोटोपिक मास 10 वाले आइसोटोप बोरोन का है और 11 वाले बोरोन आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास जो है या आइसोटोपिक मास जो है वो गिवन है। तो हम आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें एक्सेप्शनल काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस इन ऑफ फर्स्ट आइसोटोप इन टू आइसोटोपिक मास ऑफ द फर्स्ट आइसोटोप प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ सेकेंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड आइसोटोपिक मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमारे पास हमने रिलेटिव अबंडेंस फाइंड करना है, तो डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, दो आइसोटोप्स हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे पहले कि जो बोरोन हमारे पास 10 वाला है उसकी रिलेटिव अबंडेंस को हम एक्स रख लेते हैं और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ जो बोरोन 11 वाला आइसोटोप होगा उसको क्या करेंगे, 100 माइनस एक्स रख देंगे। ये इसलिए 100 माइनस एक्स रखा, समझने वाली बात है, क्योंकि दोनों बोरोन 10 और बोरोन 11 वाला जो है इनकी टोटल जो अक्रेंस है दोनों की वो 100% है। तो ये एक्स पहले वाले का हिस्सा और 100 में से माइनस एक्स का मतलब है कि 100 में से अगर पहले वाले के हिस्से को माइनस अबंडेंस को माइनस कर दिया जाएगा तो हमारे पास वेरी सिंपल क्या आ जाएगी, 11 वाले आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस आ जाएगी जी। तो फार्मूला वही दोबारा से हमारे पास के एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू रिलेटिव अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास प्लस रिलेटिव अबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास डिवाइडेड बाय 100 जी। तो डाटा पुट करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, एवरेज एटॉमिक मास की जगह पे 10.81 आ जाएगा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ये जो पहला आइसोटोप है जिसको हमने B10-5 ये वाला उसकी एक्स आ गई, उसका आइसोटोपिक मास 10.0129 प्लस रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ये B5-11 वाला आइसोटोप 100 माइनस एक्स आ जाएगा और 11.0093 ये वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 100 जी। तो यहाँ पे ये है कि ये जो 100 है इसको उठा के लाएंगे इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया
इन दोनों वैल्यूज को हम इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे x को इसके साथ, और यहाँ पे ये होगा समझने वाली बात है यहाँ पे कि 100 को और x को हम बारी बारी इन इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 100 को 11.0093 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1100.93 हो गया। उसके बाद x को क्या करने जा रहे हैं, इस 11.0093 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x 7 आ गया। तीनों तीन वैल्यूज हमारे पास हासिल हो गई, दो x वाली वैल्यूज हैं और एक जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये x वाली वैल्यूज को हमने इकट्ठा कर लिया, ये जो वैल्यू है जो बगैर x के है, जो बगैर वेरिएबल के है, उसको उठा के हम इधर ले आएंगे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। तो 1081 माइनस क्या हो जाएगा 1100.93 इंटू, इन दोनों में से अगर हम गौर से देखें तो x x आ रहा है, मैंने यहाँ पे इन दोनों से ये x बाहर कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया हमने x, तो 10.0129 आ गया, माइनस उसी तरह से 11.0093 आ गया। मजीद देखा जाए तो यहां पे जब इसमें से माइनस किया तो 19.93 बच गया, किसका, माइनस का, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है ये बड़ी वैल्यू है तो माइनस आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखें ज़रा तो यहाँ पे एक्स तो एज इट इज़ आएगा यहाँ पे, जबकि अंदर वाली ब्रैकेट को सॉल्व किया तो हमारे पास 0.9964 आ गया, ये भी किसका किसकी वैल्यू है, माइनस की वैल्यू है। तो हमें कंसर्न किसके साथ है जी, एक्स के साथ। तो इसीलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, इस वैल्यू को ये जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रही है 0.9964 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड कर दिया x से, x कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है 20.002% परसेंट वैल्यू, इसलिए क्योंकि ये 100 पे हम पहले ही डिवाइड कर चुके हैं। तो ये x, और हम अगर पीछे चलें बात करें तो x को हमने क्या रखा था, दिस इज द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरोन 10 आइसोटोप। तो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं कि परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरोन 5-10 इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या आती है 20.002%। ये हमारे पास आ गई पहले बोरोन के पहले आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस। अब आ जाते हैं दूसरे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस पे, तो वो हमने क्या अज्यूम किया था, अगर हम गौर से देखें तो उसको हमने रखा था 100 - x। तो इसको अगर देखा जाए तो ये परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरोन 5-11 आइसोटोप, तो ये किसके 100 - x, तो 100 एज इट इज, x की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा पहले वाले आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 में से 20.002 को माइनस करेंगे तो 79.998% इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले एक आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस फाइंड की, फिर दूसरे आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस जो है वो फाइंड कर ली। इस बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।